नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ अध्याय 13 गुणा और भाग के तरीके, 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय गणित। इसके अंदर पढ़ेंगे हम गुणा और भाग। गुणा क्या? बार बार जोड़ने की प्रक्रिया गुणा। भाग क्या? बार बार घटाने की प्रक्रिया भाग। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न है जिसे समझ कर हल करना है। देखिए 48 में 8 का भाग लगाया है, यानी 8 का भाड़ा तब तक बोला जब तक कि 48 है। 8 × 48 6 बार में आया। उसी प्रकार देखिए 7 का भाग लगाइए 56 में, तो 7 × 8 = 56 आया 8 बार में, तो इसको हल प्राप्त हुआ हमें 8। उसी प्रकार 9 का भाड़ा तब तक बोले जब तक 63 ना आए, 9 × 7 = 63, ठीक है, और 7 × 7 = 49। और देखिए इसका और इसका गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा, 7 × 7 = 49, ठीक है। ये हमारे उत्तर की जांच भी हो गई, 9 × 7 = 63, 7 × 8 = 56, 8 × 48। यहाँ देखिए 3 का भाड़ा तब तक बोले जब तक 21 ना जाए, 3 × 7 = 21 और 3 × 3 = 21, ठीक है। और 10 का भाग लगाना 30 में, तो 10 × 3 = 30, 3 बार में भाग गया। 7 × 5 = 35, 5 बार में गया। 15 × 6 = 90, 6 बार में गया। 15 × 5 = 75, 5 बार में गया। और 8 × 8 = 80, 10 बार में गया। और 11 × 8 = 88, यानी 8 बार में गया। ये भाग हो गया। अब देखिए गुणा, देखिए 8 और 6 का गुणा किया, 8 × 6 = 48, ठीक है। यदि 8 का भाग 48 में लगाएं तो ये 6 आ जाएगा, 8 × 6 = 48, ठीक है। अब देखिए 7 में किसका गुणा करें कि 56 आ जाए, तो कैसे प्राप्त करें वो संख्या, तो 7 का भाग 56 में लगा दीजिए, है ना। 7 × 8 = 56, 56 आया 8 बार में, तो 8 और 7 का गुणा होगा तब 56 आएगा, ठीक है। 7 में किसका गुणा की करें कि 49 आ जाए, तो इसमें 7 का भाग दे दीजिए, 7 से भाग दे दीजिए 49 में, 7 × 7 = 49, तो 7 आएगा यहां पर, ठीक है। 7 × 21, और 10 में किसका गुणा करेंगे 30 आ जाए, तो 10 में 30 का भाग लगा दीजिए, 10 × 30 = 30, तो 3 आएगा। 7 × 5 = 35, 15 में किसका गुणा करेंगे 90 आ जाए, 15 × 6 = 90, यानी 6 का गुणा करना पड़ेगा। 15 × 5 = 75, और 10 × 8 = 80 या 8 × 8 = 80, और 11 × 8 = 88, ठीक है। इसमें और इसमें समानता है, समझ में आई। इसका इसमें भाग करेंगे तो भागफल आया, और भागफल और इसका गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो ऐसे ही 25 पेनों की कीमत क्या होगी? जब एक वस्तु की कीमत दे रहे और ज्यादा की निकालनी हो, तो सिंपल सा फंडा है, गुणा कर दीजिए। 25 में 5 का गुणा करेंगे तो भैया 25 × 5 = 125 आता है, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही है, यानी 5 पेनों की कीमत कितनी रहेगी? ₹125, तो डी वाला सही है, तो डी पर गोला बना दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 1/2 घंटे में वह कितनी बार धड़केगा? तो देखिए 1 बार में कितना धड़कता है, 1 मिनट में धड़कता है वह 72 बार, तो आधे घंटे में, आधे घंटे में कितनी मिनट होती है? 30 मिनट, यानी 1 मिनट में वह 72 बार, तो भैया 30 का आप गुणा कर दीजिए, 30 मिनट है ना, घंटे को मिनट में बदल दिया, तो शून्य को भूल जाइए, 3 का गुणा कर दिए, 3 × 2 = 6 और 3 × 7 = 21, वह शून्य लगा दीजिए, तो कितनी बार धड़केगा? 2160 बार, तो 2160, यानी डी आपका उत्तर बिल्कुल सही है, 2160 बार। कौन सा सही है? डी वाला सही, तो डी को कर दिया हमने छायांकित। प्रश्न है, 31 लीटर दूध की कीमत है 1550 रुपए, तो 1 लीटर दूध की कीमत कितनी होगी? भैया 31 लीटर की दूध को भाव है 1550, तो 1 लीटर दूध कितने का आएगा? तो भैया 1550 में 31 का भाग दे दीजिए, 31 का भाग देंगे तो परिणाम आएगा आपका 50 आएगा इसका उत्तर, ठीक है। भाग करके आप देख लेना, ये डी वाला क्या आएगा? 50 रुपए, डी वाला सही है, तो डी को भाई कर दिया हमने छायांकित, ठीक है। अगला प्रश्न है,
एक कंपनी पानी की बोतल 15 रुपए में बेचती है। यदि दुकानदार 240 पानी की बोतल खरीदता है तो दुकानदार कंपनी को कितने रुपए देगा? एक 15 रुपए की है तो 240 खरीदी तो 240 में 15 का आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, 15 शून्य 0 15 चौक 60 की शून्य हासिल का 6 15 2 30 30 और 6 36 तो क्या आया 3600 रुपए। यानी सी वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही है, रुपए 3600। कौन सा सही है? सी वाला। तो ये ए बी ये सी पर गोला मार दीजिए, व्यवस्थित लगाना आप गोला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 100 रुपए के 35 नोट का मूल्य क्या होगा? भैया 35 नोट दे दिए और 100 100 के नोट है तो कितने रुपए बनेंगे? 100 में 35 का गुणा कर दीजिए। गुणा करना बड़ा आसान है, 35 शून्य 0 35 शून्य 0 और 35 एकम 35 तो कौन सा उत्तर सही है? ए वाला उत्तर बिल्कुल सही है। क्या किया? 100 में 35 का गुणा करोगे तो रुपए 3500 आएगा। ए वाला सही है तो ए को लगा दिया हमने काला गोला। प्रश्न है, एक बच्चा 1 साल में 5 कापियों का उपयोग करता है तो 1 साल में 8 बच्चे कितनी कापियों का उपयोग करेंगे? तो सिर्फ गुणा करने से काम नहीं चलेगा, व्यवस्थित करना है। कैसे करेंगे? यदि एक साल में बच्चे द्वारा 5 कापियां उपयोग में लाई जाती है तो 8 बच्चों द्वारा कापियां उपयोग में लाई जाएगी। क्या करना है? 5 में 8 का गुणा कर दीजिए, 5 8 40 कापियां आएगी। ठीक है, अगला है, यदि 4 4 लड़कियों की 6 कतार है, यानी एक कतार में 4 लड़कियां, एक कतार में 4 लड़कियां, तो इतनी ऐसी कितनी कतार है? 6, तो कुल लड़कियों की संख्या पता करना है। ठीक है, तो एक कतार में लड़कियों की संख्या कितनी है? एक कतार में लड़कियां भैया 4 है और 6 कतार में लड़कियों की संख्या, एक कतार में 4 है तो ऐसी 6 कतार है तो 6 में 4 का गुणा कर देते हैं, 6 चौक 24 लड़कियां आएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरिता 3 अलग अलग आकार के पराठे बनाती है, उनमें 4 अलग अलग प्रकार का मसाला भरती है तो कुल कितने प्रकार के पराठे बनाएंगे? तो भैया 3 पराठे तो अलग अलग आकार के हैं और उनमें अलग अलग प्रकार के मसाले भरते हैं तो कुल कितने पराठे हो जाएंगे? चलिए कर लेते हैं हल इसे भी। सरिता 3 पराठे, 3 पराठे तो अलग अलग आकार के हैं और उनमें 4 तरह के मसाले हैं तो भैया 3 चौक 12 प्रकार के पराठे बन जाएंगे। अतः पराठों की संख्या 12 हो जाएगी।
अगला प्रश्न है, यदि कक्ष में 30 बच्चे हैं और उन्हें 6-6 टोलियों में बांटना है तो कितनी टोलियां बनेगी। ठीक है, कुल कक्षा में कितने बच्चे हैं? 30 है। कुल कक्षा में बच्चे 30 है। अब टोलियों की संख्या, 30 बच्चे हैं और 6-6 की टोलियां बनानी है तो 6 से भाग दे देते हैं, तो 6 का भाग लगाएंगे तो 6 × 5 = 30, तो 5 आएगा। तो टोलियों की संख्या कितनी बनेगी? 5 टोलियों की संख्या बनेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेरे पास 50 पौधे हैं, मैं इन्हें 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहता हूं, प्रत्येक बच्चे को कितने पौधे मिलेंगे? तो अभी किया सवाल बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, क्या करें? 50 पौधों में बच्चों को, कुल पौधे 50 है और 50 पौधों को 10 बच्चों में बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितने पौधे मिलेंगे? प्रत्येक बच्चे को प्राप्त पौधे कितने पौधे हो जाएंगे? कुल पौधे हैं भैया 50 और बच्चे कितने हैं? 10, तो भाग लगा दिया, 50 में 10 का भाग लगाना है, 10 का पढ़ा तब तक बोलिए जब तक कि 50 ना जाए, 10 × 5 = 50, यानी क्या आया? 5। तो ये 5 क्या है? प्रत्येक पौधे बच्चे को 5 पौधे मिलेंगे। ठीक है, आशा है ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे और प्रश्न देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करना है, 75 में 35 का गुणा करना है, तो 75 में 35 का गुणा करें तो यह 35 का पढ़ा आता है या नहीं आता है? तो अपन इसको 35 को 2 टुकड़े में विभाजित कर लेते हैं। कैसे? पहले 5 का गुणा पूरे में करेंगे, फिर 3 का गुणा पूरे में करेंगे। तो देखिए, 5 का गुणा 25 में किया, यानी 25 के 5 लिखेंगे हासिल के 2, 5 का गुणा 7 में किया तो 5 × 7 = 35, 35 × 2 = 37 के 37 लिख देते हैं। अब इकाई के स्थान को या तो खाली छोड़ो या क्रॉस लगा दो ताकि हम गुणा या कुछ लिख ना सके। अब 3 का गुणा पूरे में करना है, 3 का गुणा 5 में किया, 3 × 5 = 15, 15 × 5 हासिल का 1 आया, और 3 × 7 = 21, 21 + 1 = 22 हो जाएगा। और अब इनको जोड़ दीजिए, इकाई के अंक को, इकाई के इसके सीध में कुछ नहीं तो 5 के 5 आएंगे, ये 7 और 5 = 12, 12 के 2 हासिल का फिर 1, 3 × 2 = 5 और हासिल का 1 = 6 और ये 2 का 2, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ हमें? 2625। ऐसे ही 2275 में 42 का गुणा करना है, तो 2 का गुणा पूरे में कर देते हैं, 2 × 5 = 10, 10 की 0 हासिल का 1, 2 × 7 = 14 और 1 × 15 = 15 के 5 हासिल का फिर 1, 2 × 2 = 4 और हासिल का 1 = 5। ठीक है, अब दूसरे अंक का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर गुणा का निशान लगा दिया, 4 × 5 = 20, 20 की 0 हासिल के 2, 4 × 7 = 28, 28 + 2 = 30, 30 की 0 हासिल का 3 और 4 × 2 = 8, 8 + 3 = 11। देखिए, गलती होने की संभावना कहाँ होती है? इकाई के अंक को इकाई के अंक के सीध में ही लिखे ताकि जोड़ने में हमें तकलीफ ना हो, दूसरे अंकों के साथ ना मिला दें। 0 0 0 5 और 0 फिर 5 5 और 0 फिर 5 और ये 1 1, बस ये उत्तर आया हमारा। चलिए आगे देखते हैं कुछ और प्रश्न। सोहन हर रोज 12 गिलास पानी पीता है, एक वर्ष में वह कितने गिलास पानी पिएगा? तो भैया एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, यह पता होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी की बात क्या है, एक दिन में 12 गिलास पीता है, चूंकि यह निशान किसका बोलते हैं? ऊपर 2 बिंदु नीचे 1 बिंदु, इसको बोलते हैं चूंकि, चूंकि एक दिन में सोहन
12 गिलास पानी पीता है, गिलास पानी पीता है, ठीक है। अतः 365 दिन यानी एक वर्ष में कुल पानी पिएगा। 365 में आप 12 गिलास का गुणा कर दीजिए तो क्या प्राप्त होगा? बार पंजे 60, 60 की शून्य हासिल के 6, बार चंग 72, 72 और 6, 78 के 8 हासिल के 7, और बार 36 और 36 और फिर हो जाएंगे 43 यानी 4380 गिलास पानी पिएगा कौन? सोहन। बहुत पानी पिएगा, ठीक है, अपने भी पानी पीना चाहिए। प्रश्न अगला है, अगर अगर समीर का दिल 1 मिनट में 71 बार धड़कता है तो 2 दिन में कितनी बार धड़केगा? 1 मिनट में 71 बार धड़कता है और यहां क्या दिया गया है? दिन, ठीक है। तो पहले दिया क्या है वह लिख लेते हैं। समीर का दिल, समीर का दिल 1 मिनट में 71 बार धड़कता है, ठीक है। अब अ वाला प्रश्न करते हैं। अ वाला प्रश्न, 2 दिन में कितनी बार धड़केगा? तो भैया 2 दिन को पहले घंटे में परिवर्तित कर देते हैं। 2 दिन, 2 दिन यानी कितने घंटे? 1 दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 2 दिन में हो जाएंगे 24 के डबल यानी 48 घंटे। अब यह है घंटे, इसको मिनट में बदलें तो क्या होगा? 48 घंटे में 60 का गुणा कर दें। 60 का क्यों किया? क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 48 में 60 का गुणा कर देंगे तो मिलेगा हमें 2880। करके देख लो आप, 6 का गुणा करेंगे तो 6 8 तो 48, 48 के 8 हासिल के 4, और 6 चौक 24 और 4 28, और ये फिर शून्य लगा दी, ठीक है। ये हो गई मिनट। ठीक, अब 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? वह 71 बार, तो 71 का गुणा कर दीजिए आप। अतः 2 दिन में धड़केगा दिल कितनी बार? 2880 में 71 का गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा 2,04,480 बार धड़केगा। अब गुणा करके देख लेना। अब ब वाला उत्तर है, क्या पूछा दिया है? जनवरी माह में कितनी बार धड़केगा? तो भैया जनवरी माह में दिन कितने होते हैं? तो जनवरी होती है 31 दिनों की, तो 31 दिन हो गए, है ना, तो 31 दिन को घंटे में परिवर्तित करें तो 31 दिन जनवरी में होते हैं, तो 31 को हम 24 से गुणा करेंगे, ठीक है। 24 से क्यों? क्योंकि प्रत्येक दिन होते हैं 24 घंटे, तो 24 से गुणा किया तो क्या मिलेगा हमें? 244 घंटे। अब ये घंटे हैं, हमें इन्हें भी मिनट में बदलना पड़ेगा, तो 244 में 60 का गुणा करेंगे। 60 का क्यों? क्योंकि अब इसको मिनट में बदलना है, तो गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 44,640 मिनट। अब मिनट में क्यों परिवर्तित किया है? क्योंकि हमें दिया गया था कि 1 मिनट में 71 बार धड़कता है,
ठीक है, जो घंटा दिया होता तो घंटे में ही सीधा गुणा कर देते हैं। अतः जनवरी में क्या होगा, 44,640 में 71 का गुणा कर दीजिए। तो भैया 71 का गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 31,63,440 बार धड़के का दिल। ठीक है, कठिन नहीं था, सरल ही था, बस यहाँ पर मिनट दिया था। तो भैया जो दिन है उसे पहले घंटे में बदला, घंटे को फिर मिनट में बदला, उसके आधार पर यह सवाल हमने हल किया। अगला देखते हैं, प्रश्न है 667 को 5 से भाग दीजिए और शेषफल भी हमें ज्ञात करना है। तो 900 को भाग देना है, किससे, 5 से। ठीक है, तो देखिए 967 में भाग लगा रहे हैं हम 5 का, भाग हमेशा इधर से लगाते हैं, तो 5 का पढ़ा तब तक बोलिए जब तक कि 9 ना जाए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो छोटा अंक लेंगे। 5 एकम 5 कितनी बार में आया, एक बार में, जितनी बार में आया वो इधर लिखा। अब यहां से घटाना है, तो 9 में से 5 गए तो 4 बच्चे, ऊपर से हमेशा हमें एक अंक उतारना है तो 6 उतार लिए, तो अब क्या होगा, ये 46 हो गए। तो 5 का पढ़ा तब तक बोले जब तक कि 46 ना, 5 9 45, ठीक है, और 5 धाम 50 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 5 9 45 9 बार में आया और 46 में से 45 गया तो एक बच्चा, ऊपर से उतारा हमने 7 17 हो गए, तो पुनः 5 का पढ़ा बोलिए जब तक कि 17 ना आ जाए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 20 तो ज्यादा हो जाएंगे, 3 बार में आए 15 और 17 में से 15 गए तो बचे आपके 2। अब कुछ शेषफल भी नहीं बचा, ऊपर से उतारने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये हमारा भागफल, यानी भाग फल कितना आया, 193, और शेष फल, शेष फल कितना बचा, शेष फल बचा हमारा 2, ये 02 लिख सकते हैं। आशा ही है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न है एक किसान 56 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचता है, एक महीने में वह 210 लीटर दूध बेचता है, तो बताइए वह कितने रुपए कमाएगा। ठीक है, तो दिया क्या है, 1 लीटर दूध का की कीमत, दूध की कीमत कितनी है, 56 रुपए। ठीक है, अतः एक महीने में बेचा गया दूध 210 लीटर। ठीक है, तो कुल दूध की कीमत, एक की कीमत है 56 रुपए, तो भैया 210 में 56 का गुणा कर दीजिए, तो आप गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 11,760 रुपए। ठीक है, आप करके देख लेना। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दीपा के पास 1,296 रुपए हैं, 108 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के हिसाब से वह कितना पेट्रोल खरीद सकती है, यह पता करना है। तो दीपा के पास कुल रुपए कितने रुपए है, 1,296। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है, 108 रुपए। ठीक है, अतः पेट्रोल
खरीद सकती है। कुल कितने रुपए हैं? 1296 में 108 का भाग लगा दीजिए तो क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, इसे काट के दिखाएं तो देखिए ऊपर और नीचे 4 का भाग लगा देते हैं ताकि ये छोटा हो जाए। 4 × 4, 4 × 2 = 8, 2 बार में यहां से बचेगा कितना? 2, तो 28 हो जाएंगे। 4 × 7 = 28। ठीक है, यहां भी 4 से भाग लेते हैं, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, बचेगा 1, 16 हो जाएंगे, 4 × 16। ठीक है, अब 27 बचे हैं, इसमें 3 का भाग चला जाता है और इसमें भी चाह रहे हैं 4 और 3 = 7, 8, 9, यानी 3 का भाग चला जाएगा तो दे दीजिए। 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, भाग नहीं जाए उसकी 0, और 3 × 3 = 24। फिर 3 का भाग चला जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, बचेगा 1, 18 हो जाएंगे, 3 × 6 = 18, और 3 का फिर भाग चला जाएगा, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6। ठीक है, ये वाला आ गया। चलिए अगला प्रश्न है, सतीश खेत पर सोयाबीन काटने जाता है, यदि उसे एक दिन की मजदूरी 300 रुपए मिलती है तो उसे 25 दिन में कुल कितने रुपए मिलेगा? ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं। सतीश की एक दिन की मजदूरी, सतीश की एक दिन की मजदूरी कितनी है? मजदूरी 300 रुपए। ठीक है, और 25 दिन की मजदूरी निकालना है, अतः 25 दिन की मजदूरी क्या होगा? एक दिन की मजदूरी है 300, उसमें 25 का गुणा कर दीजिए। गुणा करना बड़ा आसान है, 25 × 0 = 0, 25 × 0 = 0, और 25 × 3 = 75, यानी 7,500 रुपये होगी 25 दिन की मजदूरी। अगला प्रश्न क्या है? अगला है, 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं, ठीक है, तो 15 किलो बेसन में कितने लड्डू बनेंगे? ठीक है, ये तो एक प्रश्न है, इसके अंदर दूसरा है, अगर एक डिब्बे में 14 लड्डू पैक किए जाते हैं तो पूरे लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने लड्डू डिब्बों की जरूरत होगी? तो देखिए इसमें दो प्रश्न है, पहले तो क्या करें, 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं, तो देखिए 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं, अतः 15 किलो यानी किलोग्राम, 15 किलो में लड्डू क्या बनेंगे? 1 किलो में 28 लड्डू बनते, तो 28 में 15 का गुणा कर दीजिए तो लड्डुओं की संख्या मिल जाएगी। 15 का गुणा 8 में किया तो क्या मिला? 15 × 8 = 120, 120 की 0 हासिल के 12, 15 × 2 = 30, 30 और 12 40 = 42, तो कितने आए भाई? 420 लड्डू बनेंगे। यह तो आधा प्रश्न हुआ, फिर क्या पूछा है? यह कि भाई कितने डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी और एक डब्बों में कितने आते हैं? 14, यानी 420 में हम 14 का भाग लगा देंगे तो डब्बों की संख्या मिल जाएगी। जबकि 14 लड्डू में एक
डिब्बा पैक किया जाता है। ठीक है, तो 420 लड्डुओं में 420 को 14 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, 14 का भाग 42 में लगाया तो 14 3 42 और 14 00 तो कितने डिब्बे आए, 30 डिब्बे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, प्रश्न है खेत में काम करने वाले एक दिन की मजदूरी अलग अलग नगरों की निम्नानुसार भी, जबलपुर में 220, बालाघाट में 175, छपरा में 150, सिवनी में 190 दैनिक मजदूरी है। इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न देखिए, पहला है दिनेश निम्न तालिका के आधार पर, दिनेश बरघाट में काम करता है, कहाँ काम करता है, बरघाट में काम करता है। यदि 2 सप्ताह खेत पर काम करता है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे, अ वाला प्रश्न है। भाई बरघाट में काम करता है तो बरघाट की मजदूरी कितनी है, 175, तो बरघाट की मजदूरी एक दिन की कितनी है, 175 रुपए। अतः दिनेश को प्राप्त मजदूरी, दिनेश ने कितने दिन काम किया है, दिनेश ने 2 सप्ताह काम किया है। 2 सप्ताह यानी कितने दिन, 1 सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो 2 सप्ताह में होंगे 14 दिन। ठीक है, 14 दिन में किसका गुणा कर दें, 175 का, क्योंकि एक दिन में 175 है, तो हमें पता चल जाएगा कि दिनेश ने कुल कितनी मजदूरी प्राप्त की। तो 175 में 14 को गुणा करेंगे तो 2450 आएगा, 2450 रुपए। ठीक है, यह दिनेश को प्राप्त मजदूरी है। ब वाला क्या है, ब वाला पूछा है श्रद्धा छपरा में खेत में काम करती है तो मार्च महीने में उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। भैया छपरा में काम करती है तो छपरा की मजदूरी कितनी है, तो छपरा की मजदूरी है 150 रुपए, और मार्च महीने में काम किया है तो मार्च महीने में दिनों की संख्या कितनी होती है, 31 दिन होती है। श्रद्धा छपरा में 31 दिन काम करती है तो प्राप्त मजदूरी 150 रुपये मजदूरी है 31 दिनों की, तो गुणा कर दीजिए आप, 150 का गुणा 31 में करेंगे तो 150 एकम 150 की शून्य हासिल के 15 और 150 दूना 300 और 150 दिया 450 और 450 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 465। 465 यानी कुल मिला के 4650 रुपए श्रद्धा को मिलेंगे। स वाला प्रश्न क्या बोलता है, सवाला प्रश्न है सबसे अधिक मजदूरी और सबसे कम मजदूरी में कितना अंतर है। तो सबसे अधिक मजदूरी है जबलपुर की 225 और सबसे कम है छपरा की मजदूरी, यानी सबसे अधिक मजदूरी कितनी है, 200 है क्या,
₹225 है। और सबसे कम मजदूरी ₹150 है। अतः अंतर, इनका अंतर यानी 225 में से 150 घटा दो तो कितने मिलेंगे? 5 में से 0 गई, 5 बच्चे, और 2 में से 5 नहीं जाते, एक है उधार लेंगे तो 12, 12 में से 5 गए तो बचे 7, और 1 में से गया तो कुछ भी नहीं बचा। इनका अंतर कितना आया? ₹75। अगला प्रश्न है साहब, एक टैंक में 200 लीटर पानी भरा जाता है, 30 टैंकों के अंदर कितना पानी भरा जाएगा? एक तो एक प्रश्न हो गया, इसके अंदर ही दूसरा है। अगर एक टैंक पानी 20 बाल्टियां भरी जा सकती है, तो 30 टैंकों में, तो भैया दो प्रश्न है इसमें, एक टैंक में 200 लीटर पानी भरा था, 30 टैंक में कुल कितना पानी भरा जाएगा? पहले तो यह कर लेते हैं अपन हल, ठीक है। कुल ही निकाल देते हैं, 30 टैंकों के अंदर कुल पानी, एक टैंक के अंदर आता है 200 लीटर, तो ऐसे ही 30 टैंक है तो 200 में 30 का गुणा कर दीजिए। तो भैया शून्य को भूल जाइए, 2 का गुणा 3 में करें, 2 3 6, अब 1 2 3 ये शून्य चढ़ा दीजिए, 1 2 3, तो कितना आया? 6000 लीटर, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि एक टैंक पानी से 20 बाल्टियों में भर जाता है, तो 30 टैंकों के पानी से कुल कितनी बाल्टियां भर जाएगी? एक टैंक 20 बाल्टियों से भर जाता है, एक टैंक 20 बाल्टियों से भर जाता है, तो 30 टैंकों को कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी? अतः 30 टैंकों के पानी से कुल बाल्टियां, एक टैंक भरता है कितनी बाल्टियों से? भैया एक टैंक 20 बाल्टियों से भरता है, ठीक है, तो 30 टैंक कितने से भरेंगे? 30 में 20 का गुणा कर दीजिए आप, 3 2 6 और 00, तो कितनी बाल्टियां लगी? 600 बाल्टियों में पूरे के पूरे 30 टैंक भर जाएंगे, ठीक है। आशा है उक्त प्रश्न आपको सभी समझ में आए होंगे। वीडियो यहां तक देखा है तो लाइक करके जाएं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।